हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। आपको ये चार्ट पे दिख रहा होगा कि आज मैंने ये लाइन्स ही बना रखी हैं, पर क्यों बना रखी हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि एक एडवांस लेवल में एनालिसिस करना आए, तो मैं रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ जिससे आपको ट्रेडिंग सीखना आए और आपको करना भी आए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं लाइन्स क्यों बनाई हुई हैं। सबसे पहले मार्केट ने आज, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, ठीक। सबसे पहले ये था कल का पॉइंट, यहाँ पे मार्केट ने 50 EMA पे क्लोज किया था। ये ग्रीन लाइन 50 EMA की है और ब्लैक लाइन 200 EMA की है, ओके। तो मार्केट ने यहाँ पे कल क्लोजिंग दी थी, उसके बाद एक ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, कम से कम 200 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो गई। देन इसने नीचे के साइड मूवमेंट दिखाई, बट इसने फिर रिकवरी की और तभी की तभी 5 मिनट के अंदर अंदर फिर इसने ऊपर की साइड यहाँ पे क्लोजिंग दी। यहाँ पे मैंने ये लाइन पहले, ये आज मैंने लाइन पहले से ही ड्रॉ कर रखी थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स किया तो मैंने अब बनाई है। मैंने ये पहले पहले कैसे बनाई, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये लाइन कब की बनी हुई है। जैसे कि मैंने जूम आउट किया तो मैंने दिखाया कि ये वाले पॉइंट से रिवर्स किया है, ये वाले पॉइंट से रिवर्स, सॉरी, ये वाले पॉइंट से रिवर्स किया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जस्ट मिनट वेट। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं, ये 9, 9 बार कैंडल यहाँ से टच होके ऊपर गई है और एक बार यहाँ से नीचे मार्केट आई और यहाँ से फिर ऊपर गई है। देन इसकी नीचे वाली लाइन देखिए, ऐसे ही यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया था, काफ़ी ऊपर अच्छी तरीके से गया और काफ़ी बुलिश मोमेंट आई थी, और इसी लाइन पे से वापस वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हुई, राइट। ये पहले का एनालिसिस चल रहा है। देन नीचे भी देखिए, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया, ओके। तो ये लाइन इसलिए मैंने बनाई है ताकि आपको पता लग पाए कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। अब यहाँ पे देखिए, आप ये वाली लाइन थी, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ तक गया और यहीं से रिवर्स किया है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई अच्छी बुलिश कैंडल बनाता, इसके बीच में मतलब यहाँ क्लोज करता, यहाँ पे क्लोज करती, तो वो डेफिनेटली यहाँ तक तो जाता ही जाता, बट वो यहाँ पे आके रिवर्स कर गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी है, जो साइन होता है कि इस वाली सब रेजिस्टेंस पे कुछ तो होने वाला है, और हुआ भी। और इसने फिर एक रेड कैंडल बनाई जो कि एक इवनिंग स्टार कहलाता है। फिर वो नीचे की तरफ गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर डाउनफॉल हुआ। आप इसमें सोच रहे होंगे कि ये अच्छा डाउनफॉल है। नहीं, डाउनफॉल तो आया था कम से कम 2:30 बजे, 2:30 बजे के आसपास आया था। यहाँ से हम बाइंग कर ही नहीं सकते थे। आप सोच रहे होंगे कि पीई बाय कर लेता हमारा पैसा बन जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट ने नीचे आया, फिर देखो यहाँ तक ऊपर गया, फिर ये नीचे आया है, ये ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। हर कैंडल में आपको एक अच्छी अच्छी विक मिल जाएगी, और विक जब बनती है तो ऑप्शन बायर को कभी भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास मौका नहीं था। और तो आप कहेंगे कि कहाँ मौका था सर, तो मैं कहूँगा आपको कहाँ मौका था आपके लिए। आपके पास मौका था यहाँ पे, जब इसने इस वाले लेवल को यहाँ पे तोड़ा यहाँ पे, और फिर इसने यहाँ पे एक वो दिया, जिसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो इसने एक अच्छा शॉर्ट फॉल दिखाया 30,900 तक का। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लाइन खींचना भूल गया, और यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन खींच दूँ, यहाँ पे एक ये हो गई, तो यहाँ से मार्केट ने काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन किया था, फिर ऊपर गया था। तो यहाँ से भी आज मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है, और 3:30 हो चुके हैं, और इसने क्लोजिंग दे दी है 31,112 पे, ओके। इसने यहीं पे देखो क्लोजिंग दी है। अब तो मार्केट समझ में आ गया आपको कि कहाँ से क्या मूवमेंट करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कल के लेवल्स की, कल मार्केट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ओके। वैसे आने वाले 7 डेज में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। 7 डेज क्या, कल तो छुट्टी है, कल रामनवमी है, और परसों मार्केट खुलेगी जो कि वीकली एक्सपायरी रहेगा, तो वीकली एक्सपायरी पे तो कॉन्सोलिडेशन ज़्यादा होता है। आजकल देखा जा रहा है कि वेडनेसडे को, मतलब एक्सपायरी से 1 डे पहले, जो मूवमेंट आनी होती है वो आ जाती है, जैसे यहाँ पे आई, और एक्सपायरी वाले दिन वो कॉन्सोलिडेशन कर जाता है और अच्छी मूवमेंट नहीं आ पाती है। तो हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट इस वाले लेवल को, अगर यहाँ जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे खुल के या यहाँ पे खुल के, कहीं भी खुल के, चाहे फ्लैट भी खुल के, इसको लाइन को क्रॉस करता है, अगर वो इस लाइन क्रॉस करता है और साथ में सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस भी है 405 पे, 31,405 पे, तो 31,405 को क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर ये 31,405 को किसी भी स्थिति में क्रॉस करता है, चाहे यहाँ पे गैप डाउन क्यों ना खुल जाए, अगर यहाँ पे, सॉरी, गैप अप क्यों ना खुल जाए, अगर यहाँ पे गैप अप भी खुल जाता है ना, तो यहाँ पे ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, कहाँ तक, 31,700 तक, ओके।
अगर किसी भी कंडीशन में अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे के साइड की। अब यहाँ मार्केट यहाँ क्लोज हुई है, तो अगर ये इसको क्रॉस करता है किसी भी कंडीशन में, चाहे गैप डाउन खोले चाहे ना खोले, चाहे फ्लैट खोले के नीचे को क्रॉस करे, किसी भी कंडीशन में ये 30,900 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आपको श्योरली यहाँ तक ये लेवल बना हुआ है, ये आपको 30,600 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। तो आपके लिए क्या लेवल्स हुए, अगर 30,900 के नीचे क्रॉस करता है तो 30,600 तक के लेवल्स, और अगर 30,400 31,400 क्रॉस करता है तो 31,700 के लेवल। 30,900 से 31,405 तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपके नो ट्रेडिंग जोन हो गया। ठीक है, तो आपके लिए मैंने जरूर बता दिए हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। ओके, निफ्टी निफ्टी खुल जा भी, खुल जा, निफ्टी खुल चुका है और इसने तो ये काफ़ी वीक था, इसने तो ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट दिखाई ही नहीं, तो मार्केट यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अब इसने भी यहाँ पे आके सब इसने भी देखो यहाँ पे आके सपोर्ट दिया, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ये वाली, इससे पहले ही आके इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। जैसे ही इसने 50 EMA को यहाँ पे क्लोज किया तो इसमें एक शार्प फॉलिंग सी आई है। ये आपको समझना पड़ेगा कि 50 EMA और 200 EMA एक अच्छे वो हो जाते हैं लेवल्स किसी भी ट्रेडिंग को सीखने के लिए। ठीक, तो अब मार्केट निफ्टी में क्या कर सकता है, अब ये मार्केट अगर अभी 1,400 लगभग 1,400-1,300 पे है, अगर ये वही इसमें नेट बैंक निफ्टी की तरह ही एनालिस करना है, किसी भी कंडीशन में अगर ये इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो आपको यहाँ तक के लेवल मिलेंगे ही मिलेंगे। पर लेवल्स क्या हैं, ये लेवल्स होंगे आपके 1,400-1,300, ये 1,400-1,400 पे है, अभी 1,400-1,300 पे क्लोजिंग आई है और 1,400-1,400 को क्रॉस करता है तो आपको 1,400-1,500 तक के लेवल्स आराम से मिल जाएंगे। और नीचे की साइड बात करें अगर, तो इसके लास्ट इस लास्ट स्विंग बननी है कहाँ पे, यहाँ पे बननी है, देखिए ये सपोर्ट बन गया इसका। ओके, अगर ये इसको अभी यहीं पे क्लोजिंग हुई है, अगर ये फ्लैट खोल के नीचे तरफ आता है तो अब इसको 1,400-1,100 तक तो आना ही पड़ेगा। ठीक, अगर ये खुदा ना खास्ता 1,450 को नीचे की तरफ क्लोज करता है तो आपको 1,350 तक के लेवल आराम से मिल जाएंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, मैंने आपको दोनों एनालिसिस बता दिए हैं, तो ऐसे करके आप अपना ट्रेडिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के बारे में आप अगर कुछ भी जानना हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर और फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। टेलीग्राम में मैं आपको हर वक्त अपडेट देता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है और कब क्या ट्रेड लेनी चाहिए, और मैं उसमें कभी कभी फ्री कॉल भी दे देता हूँ अगर मार्केट अच्छा डाउन साइड या अपसाइड जाता है। आज मैंने एक ट्रेड दी जिसमें मेरे को 30 पॉइंट मिले, मतलब आप सबको मिले, तो वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में देता हूँ जो मेरा कॉल ग्रुप है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि हम कैसे कॉल देते हैं और कैसे आपको प्रॉफिट होता है। पर एक बात और, कई जने पूछते हैं कि अगर आप ऑप्शन बायर अच्छे हो तो आप ऑप्शन सेलिंग पे इतना फोर्स क्यों करते हो कि ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन बायर हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए एक पेशेंस वो जो जो झेलना पड़ता है वो हर कोई नहीं झेल पाता है। इसीलिए आपको चाहिए कि जो प्रेशर आपको जो आप झेल पाओ तभी आप ऑप्शन बायर बनो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एकदम से 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे जाते हैं तो बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो कभी कभी आपका ह्यूज लॉस भी हो जाता है और ह्यूज प्रॉफिट भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप 15,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके 15 के 15 वो जा भी सकते हैं, तो इस लिहाज से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है। तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करो, और मैं अकाउंट हैंडलिंग सर्विस में भी वही यूज़ करता हूँ, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सबको ट्रेडिंग आए और मेरी हेल्प से आप प्रॉफिट कर पाओ। तो आपके लिए मेरे पास 3 सर्विसेज हैं, उसके लिंक सबके नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं जाके। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद।